स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की तीसरी क्लास है, ठीक। इससे पहले हम लोग की दो क्लास हो चुकी है, वो दोनों क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो आप ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप आसानी से क्लासेस, इससे पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं। और इस क्लास का या इससे पहले वाली क्लास का भी पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप इस वेबसाइट से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, www.globalitii.org, ठीक है। और वेबसाइट पे आप पीडीएफ या फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाएंगे एकदम फ्री में, और आप मॉक टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.46456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0.456 डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। डेसिमल को किसमें परसेंटेज किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि परसेंटेज को आप डेसिमल में चेंज कर रहे थे। इससे पहले पिछले वाली क्लास में मैं जो बताया था आपसे कि जैसे कि कहीं पे 1% लिखा हुआ है तो 1% लिखने का मतलब क्या है? 1% लिखने का मतलब है कि 1/100, ठीक है। और यदि 10% लिखा हुआ है, 10% लिखने का मतलब था आपका कि 10% का मतलब था 10/100। आप सब 100 से डिवाइड करते जा रहे थे इससे पहले, लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आपको डेसिमल ही दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेसिमल दिया हुआ है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा बाबू? ये बन जाएगा आपका 45.6%, 45.6%, ठीक है। ये ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला है x2 + 62 = 102 के लिए x का मान बताना है। ये छोटा सा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना है। x2 + 62 = x2 + 62 = 102, ठीक है। x2 + 62 = 102, तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा बताइए, किसके बराबर होगा ये? भाई देखो ये एक्स स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, ये 62 नहीं है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको बना लीजिए आप लोग ऐसे, x2 + 6² = 10². ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है, यहाँ ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है भाई, इसको ऐसे बना लो और इसको भी ऐसे बना लो, इसको भी ऐसे बना लो, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा था। चलो ये x2 + 6² = 10² है, ठीक है। x2 + 6² = 10² है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसने कहा है कि x2 = 6² = 10², तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x2 + 6² कितना होता है? 36। और 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x2 = कितना हो जाएगा? 100 - 36 कर दो, 100 - 36 करो तो कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका 64। x2 = 64, तो यहाँ से x = कितना बन जाएगा? यहाँ से x = बन जाएगा आपका 8। x = 8, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ था इस क्वेश्चन में, बस इसी वजह से शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, बाकी आपका क्वेश्चन ये है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव इतना का वर्गमूल क्या है? दशमलव इतना का वर्गमूल क्या है? देख भाई, अभी तक आप लोग जितना भी वर्गमूल निकालने का मेथड सीखे होंगे, उस वर्गमूल निकालने के मेथड को अलग रखिए। दशमलव वाले केस में एक मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिससे किसी भी दशमलव वाले संख्या को आप मुश्किल से पांच सेकेंड में आप सॉल्व करोगे, ये हमारी गारंटी है। और ये जल्दी आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चल देख ले,
देखो ये 550 है, 550.37, इसको 5 सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे आप यदि सॉल्व करने जाओगे, मैं पहले वो भी मेथड बता दूं, चलो देख लो पहले वो, पहले इसका रीजनल मेथड देख लो। देखो ये 550 है, 550.37 ठीक है, 550.37 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको करने के लिए आप करेंगे क्या कि इधर राइट साइड से आप पेयर बनाते जाओ, राइट साइड से आप पेयर बनाते जाओ, पेयर बनाते गए, यहाँ पेयर बन गया आपका, तो ये दो और दो, दो दो हो गया, तो यहाँ पे चार, चार आया, चार को यहाँ पे आपने घटा लिया, इसमें से वन हो गया, ये कितना आ गया, एक ही साथ 50 आ गया नीचे, ठीक है। ये दो दो कितना हो गया, ये दो दो चार हो गया, दो दो चार हो गया, तो अब ये तीन बार जाएगा, यहाँ पे आपने तीन ले लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 × 9 = 4 = 12, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे आपने कितना लिख लिया, इसको ऐसे लिखते जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने लिख दिया है दो, यहाँ पे हमने लिख दिया है तीन, ठीक है। अब इसको घटा लो तो ये कितना बनेगा भाई, ये 10, 10 में से 9 गया एक, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया दो, यहाँ बच गया 0। अब फिर ऊपर से कितना आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपका 37, 37, तो इसको ये कर लो, इसको जोड़ लो, ये कितना होगा, ये आपका होगा 46 हो गया। अब ये कितनी बार चला जाएगा, अब ये चला जाएगा 4 बार, अब ये 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये 4×4 = 16, फिर 4×6 = 24, 24 और 1×25 = 5 = 2, 4×6 = 16, 16×2 = 18, ठीक है, 16×2 = 18, तो ये 4×4 = 8 हो जाएगा, और फिर ये 6, ये 4, इसको घटा लो, इसको घटाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 1 बना, यहाँ से 13, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, ये 11, 11 में से 8 गया, अब 11 नहीं ये तो 10 बच जाएगा ना, 10 में से 8 गया 2, ये बच, ये बन गया आपका 281, ठीक है। तो देखो इधर देखो, ये आपने देखा कि शुरू में बना 2 और 3, और फिर यहाँ पे हमने लिया है 4, तो ये बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 23.4 समथिंग और कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कटा नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, ये तो इसका रीजनल मेथड था, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड के ये या फिर रीजनल जो भी, ये इसका पहला मेथड था। हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक में मुश्किल से केवल 5 सेकंड में आपको आंसर बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, 5 सेकंड में। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको दिखा था 1 से लेकर 30 तक, मैं बोला था कि 1 से लेकर 30 तक का केवल आप वर्ग याद रखिए कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग कितना होता है। यदि आपको याद है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओ, आसानी से, एकदम आसानी से। देखो ये 550 है, 550 ये किसके आसपास है, किसके वर्ग के आसपास है, 550 आपको याद है, याद होगा यदि, तो 23 के वर्ग, 23 का वर्ग कितना होता है, 529, 23 का वर्ग 529, ठीक है, 529 प्लस ये 23 से, 529 से ये कितना बड़ा है, ये 529 से कितना बड़ा है, ये 529 से 21 बड़ा है, तो यहां पे लिख लो 21.37, ठीक, डिवाइड बाई ये 23 का स्क्वायर है ना, ये 23 का स्क्वायर है, तो यहां पे लिख लो 23 × 2, ठीक है। अब देखो अब ये कितना होगा, 529 का स्क्वायर, सॉरी ये 529 किसका स्क्वायर है, 529 आपका 23 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लिया आप 23, ठीक है, और प्लस अब इन दोनों का भाग कर दो, 21.37 / 46, इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको भाग कर लोगे तो आप देखिए ये 20 है ना, इसका मतलब ये है कि ये लगभग 4 बार जाएगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0.4545 हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये 44 यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 21 है, 21 से मतलब कि 213 है, 213 का 4 से जब 46 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग पहुंच जाएगा 180 के आसपास, 180 के आसपास, मतलब 5 बार नहीं जाएगा 4 बार ही जाएगा, तो ये बन गया आपका 223.45, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 223.46 ऑप्शन आपको दिख भी रहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यदि आपको ये मेथड आसान लगे तो इससे कर दीजिए, नहीं तो फिर इससे करिए। इस मेथड में हमने किया ये है कि जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या के पास वाला, उस संख्या के पास वाले को, पास वाला वर्ग देख लीजिए, उस संख्या के पास वाले वर्ग को लिख लीजिए, इसके बाद जो बचा, जितना बचा उसको प्लस में लिख के, इसके बाद ये जिसका वर्ग है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके उससे भाग कर दीजिए,
बस आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक अलग मेथड था। यही इसी मेथड का यूज जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम में मैक्सिमम आपके इसी दशमलव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस ट्रिक का यदि आप यूज करेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे बिना किसी गलती के। इसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होगी, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कर ले जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका √8, √18 और 2√2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले देखो √8 प्लस ये क्या है भाई, ये है आपका √18 माइनस √2। देखो यदि यहां पे √8 लिखा हुआ है तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 प्लस √18 को क्या लिख सकते हैं भाई, √18 को यदि मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 × 3 माइनस ये 2√2, इतना लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे ये 3 का पेयर बन गया है ना, ये 3 का एक पेयर बन गया तो यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 1 2 अंदर ही रह जाएगा माइनस 2√2। ठीक है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, बचेगा आपका 3√2। तो 3 और √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.414। तो ये यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.24। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 4.24। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रमेय से है, ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रमेय से है। पाइथागोरस प्रमेय यदि किसी को याद है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा यदि किसी को पाइथागोरस प्रमेय याद है तब। ठीक है, ये हमारा बी है, ये है ए और ये है सी। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। देख भाई, पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको एक बता दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लगता है, एक भाई मैं तिरछा ही बना दिया क्या, लो सीधा बना दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा एक त्रिभुज है, ये एक कौन सा त्रिभुज है, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप इतना जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे भी आपको 3 भुजा दिख रही है, एक भुजा ए सी, एक बी सी और एक ए बी, ये 3 भुजा दिख रही हैं। यहाँ पे यदि मैं मान लूं कि एक एंगल है थीटा, यहाँ पे एक एंगल थीटा है, मैंने ऐसा मान लिया, हमने ज़ूम किया कि यहाँ पे एक एंगल थीटा है, तो थीटा के एकदम जस्ट सामने वाली, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं लंब, या फिर कहिए परपेंडिकुलर, या फिर कहिए परपेंडिकुलर, या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहिए इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, या परपेंडिकुलर। ठीक, और थीटा के एकदम पास वाली जो भुजा होती है, या थीटा के एकदम पास वाली जो साइड होती है उसको हम लोग कहते हैं बेस, बेस या फिर आधार। ठीक है, और थीटा के ऊपर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, कर्ण या फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। ठीक, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे।
पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर परपेंडिकुलर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर को पी स्क्वायर कहते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, यह आपका पाइथागोरस प्रमेय। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप लोग, जो यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं भी पढ़ा होगा उसको हमने शॉर्ट में यहां पे बता दिया है, बस इतनी ही बात वो याद कर ले तो उसका वो क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएगा। अब देखो, हमने कहा है कि थीटा यहां पे हमने माना था, ये हमारा थीटा हो गया। थीटा के एकदम सामने वाली जो भुजा है या थीटा के एकदम सामने वाला जो फेस है उसको हमने मान लिया है लंब। यहां पे ये हो गया हमारा लंब, लंब कहिए या फिर इसको परपेंडिकुलर कहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये थीटा के पास वाली जो भुजा है ये हो गई हमारी आधार, ये हो गई आधार। और इसके ऊपर जो है ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण। कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, आपको आधार निकालना है। हाइपोटेनियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है। क्या इस फार्मूले में पुट करके आप आसानी से आंसर नहीं निकाल लोगे? इस फार्मूले में पुट कर दो ये वैल्यू, यही वैल्यू सीधे सीधे पुट करो। देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है 10। ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लंब का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, लंब की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है आपको 6 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू निकालनी है तो बेस का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि बेस का स्क्वायर हमें नहीं पता है, इसको हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब यहां से देखो ये बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने इसको यहीं पे रखा और ये जो हमारा आरएचएस साइड में इसको हमने एलएचएस साइड में लेके आए, एलएचएस साइड में लेके आए तो यहां से ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 64। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंप्लाइड एट b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय बताने की भी कोशिश की है आपको। अब देखिए इसी फार्मूले पे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी बना के दिखाइए। इसी फार्मूले पे एक और क्वेश्चन है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लो यहाँ पे कि थीटा है, थीटा मानने से पता बस ये चल जाता है ना कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, ये चीज आपको तुरंत क्लियर हो जाती है। यदि आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है यदि आप ऐसे ही क्लियर कर ले रहे हो कि यह परपेंडिकुलर है ये बेस है तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए अच्छे से, तुरंत कर लेंगे। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, इसने बेस की वैल्यू पूछी हुई है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला मैं बताया हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दी हुई भाई, एच की वैल्यू 15 दी हुई, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, यह वैल्यू नहीं पता है, पी स्क्वायर की, पी की वैल्यू दी हुई है 9, पी की वैल्यू दी हुई है 9, तो ये 9 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, बी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को घटा के 144 आप जानते हो 144 किसका वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू 12। मैं b इक्वल टू 12, 144 के पास सीधे 12 कैसे लिख दिया हूँ, ये इसका मैं वर्गमूल निकालना हूँ 144 का, 144 का वर्गमूल निकाल के तब मैं लिखा हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पाइथागोरस प्रमेय से ही है, ये क्वेश्चन भी पाइथागोरस प्रमेय से ही है कि नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड AC, साइड AC, इस AC, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही है, इस साइड AC की वैल्यू बतानी है। यदि आपको AB की वैल्यू दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है,
एससी की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी बीसी की वैल्यू दे रखी है और बीसी की वैल्यू दे रखी है और दे रखी है ए बी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला लगा दो एच स्क्वायर इक्वल टू, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसने पूछा किसको है, एसी को पूछा है, ये है सी और ये है ए, ये है बी। एसी एसी मतलब कि कर्ण को पूछा है, कर्ण नहीं पता है, इसका हाइपोटेनियस नहीं पता है, इधर ये लंब है और ये है आधार, ये है आधार, आधार और लंब की वैल्यू दी हुई है, तो आधार और लंब की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू पुट कर दो, एच स्क्वायर इक्वल टू सेवन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये भाई, ये 49 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा यार, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, 5, 14 के 4 हासिल है, 4, 2, 7, 4, 2, 6, 6, 1, 7 एच स्क्वायर इक्वल टू बन गया आपका 74। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 74, तो एच स्क्वायर टू कितना बनेगा आप देखिए, यहाँ इससे पहले जो मैं एक ट्रिक अपनाया था वर्गमूल निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं एकदम वही फिर से वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये 74 दिया हुआ है ना, यहाँ पे यदि ये 74 दिया हुआ है तो 74 का वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 74 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, करिए ये कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दीजिए, ये इसको कहिए कि ये 64 है, 64 प्लस 10 बटा में ये 64 किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस ये इसको ऐसे लिखा करो, ये रूट में आपका 64 है, रूट में 64 प्लस अब इसका मान लिख लो, इसका मान लिखो तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है, ये 10 बटा में 16 है, ये 10 बटा में 16 है, 10 बटा में 16 है, तो इसका मतलब यह है कि 16 6 96 6 बार जाएगा तो इसका मतलब यह है कि 8.6 या यहां से नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि ये 8 प्लस 0.666 ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, ये मेथड इस मेथड को करने का प्रयास करिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में करके बताइए, नहीं समझ में आ रहा तो किसी दिन अच्छे से इस मेथड को आपको समझा दूंगा, कि इसी पे मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये मेथड यदि आप कर ले जाओगे तो बहुत सारे वर्गमूल में, तो कोई भी वर्गमूल निकालने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ इज 2.75 मीटर एंड L1 L2। देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू है L, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या है L है, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका L1 और एक है L2। इसने कहा है क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि L1 रेशियो L2 2:3 है, L1 रेशियो L2 कितना है 2:3 है। पूछा क्या है, पूछा है कि L2 का मान होगा। तो देखिए यहां से L2 का मान निकालने के लिए आप करेंगे ये कि सबसे पहले तो मान लीजिए कि टोटल लंबाई आपकी x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2.75। तो यहां से 5x इज इक्वल टू कितना होगा भाई, यहां से 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.75, ठीक है। अब इसको ऐसा मान लो कि ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हम यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.75 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी x की वैल्यू। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है L2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा है L2 का मान क्या होगा,
L2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, L2 का मान निकालने के लिए L2 का मान होगा कितना, L2 का मान होगा यहां से 3x, यहां से L2 का मान 3x होगा, तो यहां से 3x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू तो आपको निकल गई है इतना, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये गुणा कर लो पहले, ये 5 3 5 15 के 5 हासिल एक, 3 7 21, 21 1 22 के 2 हासिल एक, 3 2 6 1 7, 7.25 डिवाइड बाई 5, ये कितना बनेगा भाई, ये 1 बना, इसके बाद 1 पॉइंट, ये 4 बन गया, 1.52, हाँ 4 बना, इसके बाद फिर आपका बन जाएगा 5, 1.45, ये हो गया आपका L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू 1.45 ऑप्शन में ही दिया है क्या, ये 3 दुनी 6, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है, ये मल्टीप्लाई करो इसको, 3 5 15 5 हासिल एक, और 3 दुनी 3 7 21 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 दुनी 6 6 2 8 होगा ना, 8.25 होगा, तो यहां से ये इसको भाग करो तो ये कितना जाएगा, ये 1 पॉइंट, अब ये 6 बार चला जाएगा और फिर ये 5 बार चला जाएगा, 1.65 मीटर, ठीक है 1.65 मीटर। या तो ये ऐसे कर लो आप, हो सकता है आपको ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, अब देखिए मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बता दे रहा हूँ, आप सीधे सीधे यदि दो वैल्यू दी हुई है तो दोनों वैल्यू में आप सीधे यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। देखो यदि L1 रेशियो L2 दिया हुआ है आपका 2:3, तो इसमें इसमें L1 की वैल्यू दी हुई है 2 और L2 की वैल्यू दी हुई है 3, ऐसा आप मान लो। L1 कितना है, L1 आपका 2:3 है और L2 3:3 के बराबर है, ठीक है, L1 और L2 में यही अनुपात है, तो L1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू 3 है, तो आप एक काम करो, यहां से आप L1 प्लस L2 कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल L निकल जाएगा ना, L1 प्लस L2 करोगे तो टोटल टोटल वैल्यू निकल जाएगी आपकी, लंबाई टोटल निकल जाएगी, लंबाई टोटल निकल गई 5, टोटल लंबाई कितनी निकल गई 5, इसी 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, इसी 5 की वैल्यू दे रखा है 2.35, इसी 5 की वैल्यू दे रखा है 2.35, ठीक है, आप ऐसा ना करो, मैं बता रहा हूं बस वैसे करो। तो यहां से केवल L2 की यदि वैल्यू निकालनी रहती है तो L2 की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे सीधे करो ये कि 3 L2 का मान जो है वो मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई है 2.75 और डिवाइड बाय इन दोनों के रेशियो का एडिशन, तो यहां से भी यदि आप करेंगे तो 1.65 आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहां से भी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो आप चाहें जिस मेथड से अप्लाई करिए, सारे मेथड से आपको आंसर मिल ही जाएगा। ये इसका कन्वेंशनल मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से यदि आप करेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मान लीजिए आप इसको भूल जाइए, इस मेथड को आप भूल जाइए, यहाँ पे आप ये करिए, L1 प्लस L2 कितना आया, 5 आया ना, इसी 5 की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, इस 5 की वैल्यू दे रखा है 2.75, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 2.75 डिवाइड बाई 5, ये एक की वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, L2 पूछा है ना, L2 का मान कितना दे रखा है, 3, तो आपको 3 निकालना पड़ेगा, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 डिवाइड बाई 5, तो यहां से आंसर आपको मिल जाएगा 1.65, ठीक है। उम्मीद है कि ये शॉर्ट मेथड आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट मेथड से करेंगे थोड़ा जल्दी आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन का समय लगता है तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसको एक एक नियम से पहले मैं करके दिखा रहा हूं, एक एक नियम से, ठीक है। ऐसा क्या बोला है कि चूंकि मैकेनिक
तीन दिन में कितनी मशीन बनाता है भाई, तीन दिन में कितनी मशीन बना लेता है, एक मिनट रुक जा, आठ मशीन बनाने में कितना समय लेता है, वो तीन दिन, आठ मशीन असेंबल करने में तीन दिन लिया है, ठीक है। तो एक मशीन असेंबल करने में कितना लेगा, एक मशीन असेंबल करने में, असेंबल करने में मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, क्योंकि पूरी बात मैं लिख नहीं पा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूं। हाँ, अब मैं अपनी पूरी बात लिख लूंगा यहाँ पे आसानी से। देखो क्वेश्चन है आपका कि आठ मशीन असेंबल करने में लगा समय कितना है, तीन दिन, ठीक है। तो एक मशीन को असेंबल करने में कितना समय लगेगा भाई, तीन बटे आठ लगेगा। तो ऐसे ही 64 मशीन को असेंबल करना है, तो 64 मशीन को असेंबल करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तीन बटे आठ गुणे चौसठ। आठ से इसको काटो कितनी बार में, आठ बार में कट जाएगा ये, आठ तरीक का 24 डेज यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 डेज यहाँ पे आंसर बिल्कुल